दोस्तों आज बताएंगे आपको कि भूख कैसे मारा जाए। अक्सर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मुझे बहुत भूख लगती है। मेरे पास कुछ लेडीज आती हैं, बोलती कि भूख बहुत लगती है, भूख कंट्रोल नहीं होती है। तो कुछ डाइट ऐसा होता है जो कि खाने से भूख मरती है, वेट भी घटता है और वेट बढ़ता नहीं है। और आप सब जान लें कि जो भूख जो लगती है अधिकांश लोग के अंदर, अगर भूख ज़्यादा लग रही है वेट बढ़ रहा, इसका मतलब कि शरीर में कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जिसमें भूख ज़्यादा लगे और वेट बढ़े। कि जो बीमारियाँ होती जिसमें भूख बढ़ती है अक्सर उसमें वजन घटता है। नॉर्मली भूख क्यों बढ़ती है, किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज हो या अनकंट्रोल थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो, इन सब में भूख ज़्यादा लगती प्लस वेट घटता है। तो अगर भूख ज़्यादा लग रही प्लस वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन में एपेटाइट सेंटर ज़्यादा काम कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, उसके दो कारण। पहला, किसी बनावट होती है, जिसके खानदान में मोटापा होता है, अक्सर देखा है कि मोटे लोग के अंदर बॉडी की फैट बर्निंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, साथ साथ उनके अंदर एपेटाइट सेंटर के अंदर, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंज होते हैं जिसके अंदर उनको भूख ज़्यादा लगती है, प्लस उनको खाने से संतुष्टि कम मिलती है, प्लस खाने कुछ देर बाद भी दोबारा खाना अच्छा मिल गया तो फिर खाने की इच्छा होती है। तो ऐसे लोगों को खाना देकर खाने की इच्छा होती है। पर बड़ा यूनिक चीज़ बात है, ऐसे मरीजों को भी मैं देखा कि लेडीज़ के अंदर खूब भूख की टेंडेंसी है, पर जहाँ करवा चौथ व्रत आता है या तीज का व्रत आता है उनकी भूख बढ़ जाती है। इसका मतलब कि जो भी हमारे एपेटाइट सेंटर की भूख की टेंडेंसी है ये मॉडिफाइबल है, चाहे तो मनुष्य को मॉडिफाई कर सकता है। क्योंकि अगर वही लेडी पूरे पूरे दिन 12 घंटे भूखे रह लेती है, बाकी दिन रह पाती है, इसका मतलब कि ये भूख कोई एब्सोल्यूट नहीं है, इट कैन बी मॉडिफाइड। अगर विल पावर स्ट्रांग है, करवा चौथ की भूख क्यों लगती है, क्योंकि मरीज पहले ठान लेता है कि आज मैं चांद निकले पहले नहीं खाऊंगी। तो भूख क्या होता है, भूख लगता भी है तो मरीज बोलता है नहीं खाना है तो भूख मर जाती है। इसका मतलब कि विल पावर से भूख को मारा जा सकता है। आपने सुना भी होगा कई मरीजों से, कि कई लोगों से, या कहानी पढ़ी होगी कि कोई पहले बहुत मोटा था, फिर उसने डाइट कंट्रोल कर बहुत वेट कम कर लिया, या कोई बोलता है पहले इतना खाता था मैं फिर भूख कम कर लिया मैंने। आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। तो भूख कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन तभी संभव जब एकदम ठान लो कि मुझे करना है। होता क्या कि अधिकांश लोग आधे मन से ठानते हैं कि मुझे कम खाना है, फिर खाना अच्छा देखा खा लिया। तो सबसे पहले भूख कम के लिए अपना विल पावर स्ट्रांग करना पड़ेगा कि मेरा वेट ये है, मुझे अपना वेट घटाना है, मेरी रिक्वायरमेंट वेट कम के लिए चाहिए। अधिकांश लोगों को वेट कम के लिए कम से कम डाइट 1200 से लेके 1500 कैलोरी का वेट लॉस डाइट लेना पड़ता है। तो मेरे एक वीडियो में देख लीजिएगा, 1200 कैलोरी वेट लॉस डाइट या 1500 कैलोरी वेट लॉस डाइट, यूट्यूब पर देख के उसको कर सकते हैं आप। तो पहला मन ठानना पड़ेगा, विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ती है कि मुझे वेट नहीं बढ़ाना है, वेट घटाने के लिए मुझे इतना डाइट चाहिए, पहला योग है। दूसरा, फिर डाइट अदर चीज़ें होती हैं, कुछ फ्री फूड होती है, फ्री फूड कितना भी खाओ भूख मारेगा, उसके कैलोरी नहीं होती, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो कोई फैट नहीं होता है और उससे वेट घटता है। इसमें सबसे पहला हो गया कि आप सलाद, ककड़ी, खीरा, मूली, सलाद पत्ती, प्याज, चाहे जितना खाओ, टमाटर, ये भूख भी मारते हैं, विटामिन भी देते हैं, फाइबर देते हैं, मिनरल देते हैं, सेहत के लिए फायदेमंद है और पेट भराभर रहता है। तो आप घर में आप सलाद पूरा प्लेट, आप पे खीरा छील के, टमाटर धो करके, मूली काट के रखे रहिए, जब भी भूख लगा नमक जैसे खा लिया आपने, दिन में चाहे जितने बजे खाओ। फिर हरी सब्जी कम ऑयल का बना हो, लौकी की, तोरी की, भिंडी की, बैंगन की, गोभी की, जितना मर्जी खाओ कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर डाइट कोक, डाइट पेप्सी, इसमें शुगर फ्री होता है, कोई नुकसान, जितना मर्जी पियो, चटनी जितना मर्जी खाओ, और बीपी नहीं तो जलजीरा खाओ, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी पियो शुगर फ्री डाल के, जितना मर्जी चटनी, धनिया चटनी। फिर देखिए क्या कि आप लोग पानी जो है दिन में जब भी आप खाना खाएं उससे पहले आधा गिलास पानी पी लें, या पानी जब भी भूख लगे पानी पी सकते हैं, आप
पानी के अंदर आप कुछ शुगर फ्री डाल सकते हैं, नींबू पानी पी डाल सकते हैं आप, इस तरह से आप पानी लिक्विड खूब पीजिए, उससे भूख मरती है। फिर खाने में अगर आप ड्राई फ्रूट खाएंगे, मूंगफली का दाना है, बादाम यानी आलमंड, अखरोट यानी वॉलनट, कैसुनट यानी काजू, पिस्ता, ये सब जो खाएंगे, फैटी फूड खाएंगे, जान लीजिए तो स्टडी में देखा गया है कि जो लोग 40 ग्राम ड्राई फ्रूट डेली खाते हैं, 40 ग्राम ड्राई फ्रूट क्या हुआ होगा, अगर आप अखरोट की बात करो, अखरोट में करीब करीब 20 हाफ अखरोट आएगा, या करीब 30-35 आपका दाना आएगा आलमंड बादाम का, या काजू करीब 20 पीस काजू आएगा अगर आप मीडियम साइज काजू है, या मूंगफली दाना लें तो 70-80 पीस मूंगफली दाना आएगा, या पिस्ता करीब 80-90 पीस आएगा। तो 40 ग्राम डेली ड्राई फ्रूट खाने से आपका वेट भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जो ड्राई फ्रूट हैं इसके अंदर गुड फैट होता है, जो ब्लड के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाता है, हार्ट कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करता है, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज भी प्रिवेंट करता है। सारे ड्राई फ्रूट इंक्लूडिंग मूंगफली भी, इन सारे ड्राई फ्रूट क्या होता है कि फैट होता है करीब 50% आसपास अंदाजन, करीब 13-25 ग्राम प्रोटीन होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम होता है। तो आप जान लीजिए जो फूड कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादा भूख बढ़ाता है, और जब ये प्रोटीन फैट फाइबर ड्राई फ्रूट फाइबर काफ़ी होता है ये खाना जो है जब खाते हो आप तो क्या होता है जो फैटी फूड रहे एंड प्रोटीन मिक्स फूड रहे ये स्टमक में जाके स्टमक रखा रहता है, ये स्टमक से छोटी आंतों में जल्दी जाता नहीं, इसलिए पचता देर से है। इसलिए जब आप रोटी जगह पर अगर ये ड्राई फ्रूट खाते हो तो आपकी भूख बार बार नहीं लगती है, जबकि आप खाली रोटी चावल बिस्किट खाओगे तो वो फट से पेट में गया, वहाँ छोटी आंतों पुश हो गया, पेट खाली हो गया, फिर भूख लग जाती है। प्लस कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से जब ग्लूकोज रिलीज होता है तो उससे क्या होता है कि पैनक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा बनाता है, और जितना ज़्यादा इंसुलिन बनाता है उतना ज़्यादा भूख लगती है। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से भूख ज़्यादा लगती है, जबकि फैटी फूड ड्राई फ्रूट है भूख कम करते हैं। इस तरह से प्रोटीन भी भूख कम करते हैं, प्रोटीन मतलब कि अगर वेजिटेरियन आप हैं तो आप चीज़ खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, कम से कम कोशिश करिए, इवन आप वेट कम करना चाहते भी तो कम से कम 50-60 ग्राम पनीर ज़्यादा डेली खाइए आप, या एक 20 ग्राम का चीज़ क्यूब आता है, मदर डेरी का आता है, ब्रिटानिया का आता है, तो 2 या 3 क्यूब डेली खाइए। तो आप ब्रेकफास्ट में क्यूब ले लिया, लंच में ले लिया, डिनर में ले लिया आपने, तो हर बार कार्बोहाइड्रेट कम करके आप ड्राई फ्रूट बढ़ा सकते हैं या प्रोटीन बढ़ाइए, पनीर है, चीज़ है, न्यूट्रिला की बढ़िया आती हैं, या सोयाबीन आता है उसका पनीर आता है, दाल लीजिए बढ़ाइए, आप नाश्ते में स्प्राउट लेते हैं, दोपहर में एक रोटी कम करके दाल बढ़ा लीजिए अपना, इसके बाद टोफू आता है सोयाबीन पनीर का टोफू ले सकते हैं आप, जो लोग प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं आप, दाल खूब खाइए, जो लोग अंडे खाते हैं उनको दिन में 4-5 अंडे डेली खाने, 6 अंडे डेली खाना चाहिए येलो हटा करके एग वाइट, क्योंकि प्रोटीन खाने से भी प्रोटीन जाके स्टमक में जाने के बाद स्टमक को मूवमेंट स्लो कर देता है, तो खाना में रखा रहता है तो भूख देर से लगती है, कम लगती है, और जल्दी पेट भर जाता है, इसलिए आप कम खाते हैं, इसलिए वेट आपका बढ़ता भी नहीं है, भूख मेंटेन रहता है आपका। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चिकन के पीस खा सकते हैं, फिश के पीस खा सकते हैं, सोरो ग्रेवी कम खाएगा उससे वेट बढ़ता है। तो हमने बोला कि भूख मारने के लिए ये तो फ्री फूड हो गया, पानी खूब हो गया, गुड फैट में ड्राई फ्रूट एंड मूंगफली ले सकते हैं आप, प्लस प्रोटीन बढ़ाइए, अपना कार्बोहाइड्रेट घटाइए, कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी चावल आलू घटाइए। हाँ, इवन आप फ्रूट खाते हैं, आप रोटी चावल कम करके फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट से भी फाइबर होता है इसलिए पेट जल्दी भरता है, और दूध डबल डोन लीजिए या स्किम मिल्क लीजिए, जिससे कि आप दूध भी आपको पेट फुलनेस देगा और आपका वेट एंड भूख कम करेगा, वेट को बढ़ने से रुकेगा। इस तरह से कई ऑप्शन है जिससे आप डाइट को ऑल्टर करके अपना भूख को कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका
वेट मेंटेन रहेगा। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि कैसे भूख को मारा जाएगा।